कि कोई कमी अपने जिम्मेवारियों से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, और हम आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे कि थोड़े इंतजार का आप लोग मजा लीजिए। हमारी इच्छा नहीं है, हमें जो जिम्मेवारी अभी मिली है वही बहुत ही भारी है। हम लोग तो जुमला नहीं करते हैं, जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते ही बनाते रह गए, बुलेट ट्रेन चलाते रह गए। मंच पे उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री आलोक कुमार मेहता जी, माननीय मंत्री सुरेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री संजय झा जी, माननीय मंत्री कुमार सरबजीत जी, माननीय मंत्री संतोष सुमन जी, माननीय मंत्री जमा खान साहब जी, विजय मांझी जी, प्रेम कुमार जी, विनय कुमार जी, मंजू अग्रवाल जी, अजय कुमार सिंह जी, अनिल कुमार जी, ज्योति देवी जी, कुमुद वर्मा जी, संजीव श्याम जी, समता देवी जी, मनोरमा जी, कृष्णनंदन यादव जी, उपेंद्र प्रसाद जी, अनुज कुमार जी, गणेश पासवान जी, मोहन श्रीवास्तव जी, गया के सभी हमारे जिलावासी, सभी हमारे अधिकारीगण, पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे माताएं बहने, आज इस कार्यक्रम में जितने लोग भी उपस्थित हैं, सभी लोगों का दिल से हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जैसा आप सब लोग जान रहे हैं कि आज का कार्यक्रम इस रबर डैम का उद्घाटन था, और इसके लिए हम तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, और उनके विजन को हम सलूट भी करते हैं। कौन कल्पना किया था कि भाई फल्गु नदी में इस प्रकार का दृश्य होगा, और इस काम को पूरा करने में सभी जल संसाधन विभाग के जितने भी अभियंता हैं, अधिकारी हैं, मंत्री, सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि एक ऐतिहासिक कार्य जो है वो आज किया गया है। और पितृपक्ष का कल से मेले की शुरुआत है, लोग श्रद्धालु पूरे देश भर से लाखों की संख्या में यहाँ आएंगे, और जब ये देखेंगे दृश्य तो वाकई हम लोगों का सीना जो है चौड़ा होगा, गर्व से माथा ऊंचा होगा। और ये नई सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है। हम आप सब लोगों को इतना जरूर कहेंगे कि कोई कमी अपने जिम्मेवारियों से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हर एक कमी को पकड़ करके दूर किया जाएगा इस सरकार में। पुरानी योजनाएं चल रही है, सात वर्ष का योजना चल रहा है, जल जीवन हरियाली चल रहा है, या जो हम लोगों की लड़ाई है पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का, इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। जहां तक रोजगार की बात हो, नौकरी की बात हो, हम तो इतना ही सब लोगों को कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे अधिकारियों को, हर एक डिपार्टमेंट के लोगों को निर्देशित कर दिया है, और हम आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे कि थोड़े इंतजार का आप लोग मजा लीजिए। जो काम और कोई कर नहीं पाया वो माननीय नीतीश कुमार जी करके दिखाएंगे। हम लोग की कोई आशा नहीं है, हम लोगों को बता, हम इतना कह सकते हैं कि कोई हमारी इच्छा नहीं है, हमें जो जिम्मेवारी अभी मिली है वही बहुत ही भारी है, तो उसको हम बड़े बखूबी ढंग से ईमानदारी से उसको हम निभा रहे हैं, और कोई इच्छा हमारी वैसी नहीं है। जब तक नीतीश कुमार जी
जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अभी से नहीं, कई सालों से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं और आप लोगों की सेवा करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम लोग पूरा सहयोग इनको करेंगे। इनके साथ जब एक बार महागठबंधन बना है तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हम इनके साथ, हम लोग सब लोग इनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, बिहार को एक नए पायदान पर ले जाने का काम करेंगे। और हम लोग तो जुमला नहीं करते हैं, जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं है, लेकिन 2014 में जब लोग आ रहे थे, कुछ लोग भारत सरकार में बन गए, उन लोगों ने क्या क्या नहीं वादा किया था। वो लोग कहते थे देश भर की जितनी नदियां हैं उसको ही लोग जोड़ने का काम करेंगे, बनारस को क्योटो बनाएंगे। और आप समझ जाइए, ये जो आज जो काम हो रहा है, अगर मुख्यमंत्री जी का विजन नहीं होता तो कोई और नहीं सोचा था। ये इन्हीं की सोच है कि आज फाल्गुन नदी में जो है पूरी तरीके से आप जल देख लीजिए कैसे है। और ये बड़ा काम है, ऐतिहासिक काम है, ये बहुत ही समझिए कि इंटरनेशनल लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर आए। और ताजुब इस बात का कि भाई कोरोना काल होते हुए भी, दो साल कोरोना काल होते हुए भी एक साल पहले इस काम को पूर्ण करा लिया गया। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन कुछ लोग क्योटो ही बनाते रह गए, बुलेट ट्रेन चलाते रह गए, हर साल में 2 करोड़ रोजगारी देते चले गए। तो हम लोग कथनी पे विश्वास नहीं करते हैं, करनी पे विश्वास करते हैं। और कहीं कोई दो राय बताओ, पानी के साथ साथ इतना छोटे चीज का भी ख्याल रखा गया कि भैया जो लोग आ गए इस पार से उस पार भी जाए तो उनके लिए भी व्यवस्था करा दी गई है। और हमको तो अच्छी तरीके से याद है कि पहला मेरा उप मुख्यमंत्री हम बने थे 2015 में, नीतीश जी का आशीर्वाद था, सब लोग लालू जी सब लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिला, आज भी है। और आप देखिएगा, पहली बार अगर साझा कोई हमारा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था तो सामने जो फ्लाईओवर जो दिख रहा है इसका उद्घाटन हम लोग 2016 में हम लोग साथ करने आए थे। तो आज देखिए कितना सौभाग्य की बात है कि ईश्वर चाहता था कि भाई हम आए और कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट मीटिंग में हम लोग बैठे हुए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि भाई हम लोग उद्यान का शुरुआत होने वाला है तो तेजस्वी जी इसमें भी आप चलिएगा। संजय भाजी मंत्री है, उनको भी उन्होंने बोला कि एकदम साथ चलना है। तो अब साथ चलना है तो रुकना नहीं है, चलते चलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।